फिर आज आपके भाई लेके आ चुका गेम प्ले। तो यहाँ पर भाई हमारा आया चार भाई रस ने जो है ना नया अपडेट ला के देख सकते हो क्या क्या कर दिया। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो कोना में नीचे रिप्ले का एक बटन आ रहा है। भाई क्यों कर दिया यार, इससे मुझे हेट है क्योंकि इसने ये किया कि भाई स्किल के बेस पे हम लोग गेम करते हैं। लेकिन देखो यार, चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए सेम है अपडेट। तो यहाँ पे भाई डबल छक्का भी भाई अच्छा आ रहा है हमारा, ट्रिपल छक्का आ गया, मतलब 3-6 तो कुछ भाई का भी 6 आया। भाई क्या क्या नाम लिखे हैं, YTTTT भाई क्या ये, चार चार। चल भाई स्टाम्प कर देते हैं चार। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते वही हमको खराब लगता है। यहाँ पे आया 2, 6 आएगा तो उसको भगाएंगे, वरना 5 आया हमारा। तो अभी इसी गोटी को चलेंगे। ओ सॉरी, वहाँ पे लगा हुआ इसलिए नहीं। फिर 6 आया भाई, उसे ही चलना था। चल भाई 3 आ जा, चल नहीं 3 नहीं आया भाई, भाग गए यहाँ से। ओ यार 2 आके स्टाम्प पे बैठ गए। चल भाई 6 से इसी को चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या होगा देखा जाएगा, स्कोर तो हमारा ठीक ठाक ही है, बट कहीं मार ना दे भाई बंदा हमें, वही डर लग रहा है। चल भाई 2 से, चल भाई इसी का पीछा करते हैं कि वहाँ पे चलेंगे तो और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। ओ यार सिट, 1 आ गया। क्या बोले यार, क्या बोल सकते हैं, दुख आप लोग समझ ही सकते हैं यार। ओ यार सिट, 1 आ रहा है, क्या करें क्या करें दोस्तों, ये दुख का ही नहीं ख़त्म होता यार। 5 आया। चल भाई स्टाम्प करते यार, स्कोर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया देख सकते हैं आप लोग। ओह गलती, मेरी गलती देख क्या। ओहो चल भाई कोई दिक्कत नहीं, 6 आ गए, इसी को भगाते हैं। 5 आया, क्या करें भगा देते हैं। ओ यार 3 मत आ जाना वरना मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा, सही बोला ना। ओ यार चल भाई 4 आया, ये बंदा रिप्ले का यूज़ कर रहा था, अगर रिप्ले में 3 आ जाता भाई तो फिर गया मैं भाई। अभी भी 2 मत आना, चल भाई 2 मत आना यार, 2 मत आना। चल भाई 6 आ जा भाई, चल भाई 6 से गया, इसको पहले हमको मारने दो। चल भाई 4 से इसको, भाई 6 मत आना प्लीज। चल भाई ओ यार कितना रिप्ले कर रहा है यार। चल भाई 1 से स्टाम्प बैठ लेते हैं, उसके बाद रिप्ले करते रहना। 5 आया भाई, रिप्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है भाई, रिप्ले क्यों दिया यार, हमको हेट है रिप्ले से यार। ओ यार रिप्ले, चल भाई 4 आया, इसको भगाते हैं पहले क्योंकि तो स्कोर गोटी कट जाएगा, तो फिर गया भाई। इसको हमें डबल गोटी नहीं रेड करने देना है क्योंकि डबल गोटी रेड कर लेगा बंदा तो फिर क्या होगा भाई। 3 पल 6 क्यों देते हो, और 6 देना है तो दो ना, अच्छे से दो ना। चल भाई 2 आया भाई का, आया 5 भाई। चल भाई 3 से स्टाम्प कर लेते हैं पहले। चल भाई 3 आया, ओ यार ये डबल गोटी रेड करेगा तो फिर हमको भी करना होगा यार, वरना मैं हार जाऊंगा सच बता रहा हूँ। चल भाई 2 से कट कर देते हैं क्योंकि हारना तो है ही, क्योंकि अगर डबल गोटी रेड नहीं करेंगे तो। ओ यार ओ शिट, स्कोर गोटी कट गया यार, ओह अब नहीं जीत सकता। ओहो क्या करे यार, किसकी गलती है दोस्तों, हमारा है या फिर ये गेम कराने वाली कंपनी का है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए यार। मैं गलती कर दिया क्या, स्कोर गोटी नहीं चलना चाहिए था ना हमें, मैंने सोचा फिर भी हारना ही था क्योंकि डबल गोटी ये रेड करेगा बंदा तो फिर हारना ही है, जीत नहीं सकता मैं इस मैच को, कितना भी कुछ भी कर लूँ, माथा रगड़ लूँ या फिर फोड़ लूँ,
वो सब नहीं करना है हमें। तो फिर करना क्या, कुछ भी नहीं करना यार, फिर से गेम खेलना और क्या करना। दो आया, हमने रिप्ले का यूज़ भी नहीं किया अभी तक। रिप्ले का यूज़ करना चाहिए था ना हमें भाई। इस स्कोर गोटी को मार लेते ना। चल भाई, 3 आया, 1 आ रहा, क्या करें यार भाई। टाइम पास कर रहा है भाई, जीत ही नहीं सकता तो टाइम पास करके क्या फायदा। हम भी सॉरी, हम नहीं जीत सकते। तो फिर एक भाई, क्यों क्यों यार हरवा दिया मुझे गेम को इसने भाई, किसने हरवाया। चल भाई, एक और मैच खेल लेते हैं भाई। पैसे नहीं है हमारे पास, बजट नहीं है हमारे पास ज़्यादा। भाई तो बजट नहीं है हमारे पास, वरना भी मैं भी बहुत अच्छे से खेलता, ज़्यादा पैसे का लोग। बाकी यूट्यूबर जो है वो 100 100 रुपये का, 1000 1000 रुपये का खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं भी ना इतना ही से शुरू कर रहा हूँ, और एक्चुअल देखें लॉस में ही है, मैं प्रॉफिट में अभी तक आया नहीं हूँ एक्चुअल देखें तो। तो भाई आज मैं एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की को मैसेज किया, बट उसने मैंने उसको उसी ने मुझे फिर बोला, मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजा तो उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद पूछा कौन हो, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, बोला कि कौन हो बताता है फिर। मैंने सोचा कि अनब्लॉक सॉरी ब्लॉक कर देगा अगर नहीं बताऊंगा तो, जो भी फॉलो किया है अनफॉलो कर देगा, इसलिए मैंने उसे चला आया। तो इसे चलते हैं। तो भाई फिर उसने हमें पूछा कि यार कौन हो बताता है या फिर नहीं वरना। उसके बाद मैंने बता दिया, अपना फ़ोटो भेज दिया। उसके बाद वो समझ गई कि ये बंदा हमारा स्कूल का बंदा है। उसके बाद ओ लिख दी, ओ। मैंने सोचा चल भाई अच्छा है, ओ लिख दी, पहचान गई। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्लॉक कर दी, तुरंत ब्लॉक कर दी और अनफॉलो भी कर दी। मैंने बोला मैंने तो सब कुछ बता दिया, बट अनब्लॉक कर दी, फॉलो अनफॉलो कर दी, ऐसा क्यों किया भाई। ये रियल घटना दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड फिर मुझे उसने अनब्लॉक कर दिया। सॉरी कौन सा चलूँ यार, तो मैं चौंक गया था कि यार क्या करूँ, ब्लॉक कर दिया तो फिर कुछ कर भी नहीं सकता था हम। उसके बाद मैंने फिर उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट देखे। फिर कुछ समय बाद, एक दो घंटे के बाद फिर देखा कि अनब्लॉक कर दिया गया है। मैंने देखा अनब्लॉक अनब्लॉक ये कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे समझ आया कि यार हाँ, अनब्लॉक कर दिया है, मतलब अपने के साथ ही गद्दारी किया। ओ यार, 3 से कट गया, ओ सेट। स्कोर काफ़ी कम हो गया भाई, लड़की के चक्कर में मैं इधर चला गया। चल भाई, लड़की का स्टोरी आप लोग को बता ही देता हूँ। मैंने भाई टाइम पास क्यों कर रहे हो यार। उसके बाद उसने अनब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैं खुश हो गया कि यार चल भाई अच्छा बात है, अनब्लॉक कर दिया। लेकिन वो लड़की को मैं फिर से मैसेज नहीं किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा, एक दो दिन में फिर से उसको रिक्वेस्ट भेजूँगा, अगर शायद एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है। उसने मुझे मैंने मेरे पास 2 आईडी था, एक आईडी था फेक आईडी, दूसरा था रियल आईडी। मैंने फेक आईडी से उसके मैसेज किया था। उसके बाद उसी फेक आईडी पर उसने पूछा कि कौन हो, मैंने उसी को बता दिया था। एंड मेरा उसने रियल आईडी को भी मेरा बैन कर दिया था। उसने मेरे रियल आईडी को भी बैन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सॉरी ब्लॉक कर दिया था, बैन मैं बोलता हूँ यार, ब्लॉक कर दिया था। मतलब सोचा रियल आईडी को क्यों ब्लॉक किया, मैंने तो इसको फेक से किया था मैसेज।
तो फिर बाद में अनब्लॉक हुआ तो फिर मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ उसको, अगर एक्सेप्ट करे तो अच्छी बात है, नाम तो मैं नहीं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि अगर वो वीडियो देखेगी तो फिर क्या बोलेगी, उसे पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसे पता है। चल भाई, पास से गया देखते हैं कि क्या होता है, ये मैच जीतते हैं या फिर हारते हैं, जीतने का उम्मीद तो नहीं लग रहा है दोस्तों। एक मिनट का समय बचा है, टाइम पास भी कर रहा है। चल भाई, मैं लड़की का स्टोरी भी बता देता हूँ। लड़की जो थी वो, चलो भाई एक सिस्टम, तो उसके बाद यहाँ पर मैं लड़की को फिर रिक्वेस्ट भेजूँगा, बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा मैं, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट भेजूँगा। अगर एक्सेप्ट करती है अच्छी बात है, नहीं करती है तो भी अच्छी बात है, सिंगल हूँ यार, सिंगल हूँ तो क्या हुआ। ओ यार, तो फिर देखते हैं कि वो बंदी एक्सेप्ट करती है फिर नहीं, फिर से मैसेज करना पड़ेगा मंदी को। बंदी बंदी मैं बोल रहा हूँ भाई, टाइम पास कर रहा है यार ये बंदा, कौन है ये, उमेश है ना भाई, आज सभी मैच हरवा के छोड़ेगा क्या दोस्तों? आज सच बताऊं तो लगभग मैच हारा हूँ, 10 मैच लगभग खेला हूँगा या फिर 10-12 मैच, उसमें से 8 या 7 मैचेस में हारा हूँ, समझे? ओ यार, टाइम बर्बाद करता है ना, हमको बहुत ख़राब लगता है यार, क्या कर सकते हैं। चलो भाई, 3 आ जा भाई। ओ यार, चल भाई ये भी मैच हार गया, क्या करूं, एक और मैच खेल लूं। ओ यार, जितना भी मतलब सब पैसा मेरा गया, पैसा बर्बाद भाई। वो लड़की बहुत पसंद लगती है हमको, पहचान पे गई, मैं बहुत दिनों से डर रहा था कि भाई मैं बोलूँगा उसको, बोलूँगा, नहीं बोल पाया, फिर इंस्टाग्राम आईडी कहीं से मिल गया मुझे, फिर मैंने हिम्मत करके उसको रिक्वेस्ट भेजा, फिर उसने मैसेज की कौन है, तो मैंने बता भी दिया कौन हूँ सो, उसके बाद फिर उसने ब्लॉक भी कर दिया, मेरा रियल आईडी को भी ब्लॉक कर दिया, मतलब जो फेक आईडी से फॉलोइंग में था ना, फॉलो करके रखे थे हम अपने रियल आईडी को, उसको भी ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला उसको ब्लॉक कर दिया यार, मतलब गजब लगा। और फिर आश्चर्य की बात यही है कि फिर उसने अनब्लॉक क्यों कर दिया, जब उसने ब्लॉक कर ही दिया था, अनब्लॉक किस क्या सोच के उसने किया, वही हमको लग रहा है यार, अनब्लॉक उसने क्यों किया, क्या सोच के किया, वही हमको लग रहा है। तो फिर चल भाई, तुम अनब्लॉक करो या ब्लॉक करो, हम तो तुम्हारे दिल में ही रहेंगे, तुम हमें चाहो या ना चाहो, हम तो तुमको चाहेंगे। इसी इसी बात पर एक लाइक हो जाए दोस्तों, तो फिर देखते हैं उसने अनब्लॉक क्यों किया यार, हमको वही समझ नहीं आ रहा है, अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि अनब्लॉक क्यों किया उसने, ब्लॉक कर दिया था फिर अनब्लॉक क्यों किया यार, ये हम अभी भी सोच ही रहे हैं। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि वो रियलाइज़ कर गई, उसने सोचा कि चलो अनब्लॉक कर देते हैं, फिर रिक्वेस्ट आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे तो वही लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या विचार है, आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है। एंड भाई, मेरे पास गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो मतलब पैसे चाहिए ना गर्लफ्रेंड के लिए, बट पैसे है ही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। चल भाई, 6 मत आना।
चल भाई 5 आया। ये मैच कुछ जीतने का उम्मीद लग रहा है। क्या बोला? लग रहा है जीतेंगे कि नहीं, ये फुल गारंटी नहीं है। राइट, उम्मीद लग रहा है। अब भाई किस पे डिपेंड करता है? रस पे। किस पे डिपेंड करता है रस? अगर जीतवाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जीतवाएगा तो भी अच्छी बात है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड में पैसा लगाने से अच्छा है कि भाई कोई चीज़ पे लगाओ जहाँ पे कुछ पैसा हो सके तो बन जाए। चल भाई मैं इसी पे लगाया हूँ। एंड देखो, आप लोग अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यार गर्लफ्रेंड को वही लग रहा है कि यार उसने क्या सोचा और फिर अनब्लॉक कर दिया हमको। वही लग रहा है, फिर से लगता है उसने सोचा यही होगा कि यार अनब्लॉक कर देता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओ यार 5 ऐसे चल दिया। तो फिर जो भी सोची होगी, हमें क्या फर्क पड़ता है वो सोचे या ना सोचे। भाई फर्क तो पड़ना चाहिए ना। बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं हम, तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा यार। देखो अगर सच बताऊं तो मुझे भी प्यार होता है यार, सबको प्यार होता है। चल भाई थोड़ा गेम वेम पे भी ध्यान दे दिया जाए। 3 से स्टाम्प आए, 3 से स्टाम्प आया। चल भाई टाइम पास करेंगे, डबल गोटी रेड करेंगे, क्योंकि इतना मैच हार चुका हूँ, इतना मैच हार चुका हूँ कि अब मुझे हारने से डर नहीं लगता। भाई डर नहीं लगता, या तो खुद यहाँ पे जा रहे हो भाई। ओ यार क्या करूँ यार। चल भाई टाइम पास करना यही एक उपाय है। क्या बोला? यही एक उपाय बचा हुआ है, टाइम पास करना। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चल भाई 5 आया। चल भाई 6 आया। गया भाई गया, मज़ा आ गया। क्या क्या चीज़ मज़ा आ गया भाई? लड़की के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग हमेशा मत गलत सोचिएगा। तो यार ओ यार बचा ले भगवान। चलो ये बचा लिया, ये मैच जीत गया। एक और मैच खेलूँ क्या भाई? खेल लेता हूँ, इतना इंटरनेट बचा हुआ है। 1 GB अभी ख़त्म करना है मिडनाइट, मतलब 1.5 GB मैंने ख़त्म कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर रिचार्ज किया ₹19 का। अब ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं वही लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना लेता हूँ और सोचा कि अपलोड कर देता हूँ। जो भी नेट लगेगा काम ही आएगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 आया यहाँ पे दोस्तों। वो लड़की किसी भी तरह से हमको चाहिए, सॉरी मतलब स्टोरी बता रहा था सिर्फ। मुझे किसी भी तरह से नहीं चाहिए वो, क्योंकि भाई लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़ो। अगर मैं लड़की के चक्कर में पड़ता तो यहीं पे चैटिंग में करते रह जाता मैं। चैटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब तो कम से कम बना रहा हूँ ना, क्या पता यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़े। चल भाई 5 आया। ओ 6 आया भाई का।
चार आया हमारा, तो इसी को चलते। भाई का आया 5। ओए भाई कबड्डे आया, ओए भाई कबड्डे आया, भाई कबड्डे आया। सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यार। किसी भी लड़की को किस तरह से मैसेज किया जाए। सॉरी, मैंने उसको फेक आईडी से मैसेज किया था, इसलिए उसने रिप्लाई किया कि भाई कौन हो। अगर मैं फेक आईडी से नहीं किया रहता तो पूछी भी नहीं रहती कि तुम कौन हो, डायरेक्ट ब्लॉक। तो कम से कम पूछी तो अपने फ्रेंड को दिखा तो सकता हूँ ना कि भाई देखो हमारे पास भी क्या है, गर्लफ्रेंड है, चैटिंग हम भी करते हैं। सारे फ्रेंड लोग हमको दिखाते हैं, भाई देख इतना चैटिंग किया हूँ, हम भी तो दिखा सकते हैं ना। चल भाई, 4 आया हमारा, आया कितना? ओ यार, 4 से तो जा रहा था, चलो मैं नहीं मारा। ओ यार, चल भाई 5 आया। ओ हो भाई, तो बहुत बदमाश लड़का है यार, रिप्ले करता है। हम भी रिप्ले करें, कैसा लगेगा? रिप्ले का कोई फायदा नहीं हुआ। चल भाई गया ना, कैसा लगा? अभी तो तू हमको मारने के पीछे लगा था। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, अपन खुश, तुम भी खुश, जितेंद्र भाई। ओ जितेंद्र भाई, तुम खुश हो ना? चल भाई, जितेंद्र भाई खुश है तो हम भी खुश ही रहेंगे, और क्या। थोड़ा दिमाग से खेलते हैं यार। ओ 5 आया, क्या चलें भाई, चलें या ना चलें? चल भाई चल देते हैं। अब 5 आ जाए। चल भाई 6 आया, मजा आ गया। चल भाई 3। भाई डबल गोटी रेड करना है, क्या करना है? अब उसको मारने पे ध्यान नहीं देना हमको, डबल गोटी रेड करने पे ध्यान देना है। डबल गोटी रेड करने पे ध्यान। अब भाई टाइम पास करेंगे, क्योंकि हमको विनिंग करना है यार। इतना ज़्यादा लॉस, इतना ज़्यादा हार चुका हूँ ना कि मैं सीख चुका हूँ कि विनिंग कैसे किया जाता है। अब मैं इतना ज़्यादा हार चुका हूँ कि सॉरी एक मिस हो गया, हार जाने से मुझे ये होता है, क्या कहते हैं, मन नहीं लगता। हार जाने में मुझे भाई शायरी में बैठा नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलूँ। चलो भाई इसका पीछा करते हैं, वो स्कोर गोटी उसको नहीं चलेंगे। राइट राइट। चल भाई 6 आया तो फिर क्या कर लिया, 6 आया तो फिर क्या कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चल भाई अभी टाइम 2 मिनट का बाकी है, चांस बन रहा है विनिंग का। स्कोर आप लोग देख ही सकते हैं, इतना ज़्यादा हार चुका हूँ, इतना ज़्यादा हार चुका हूँ कि अब जीतने से डर लगता है, सॉरी हारने से डर लगता है, मतलब शर्म आता है, हारने से शर्म आता है, जो भी कहो। तो यहाँ पे भाई 2 आया हमारा, इसी चलते। भाई कोई, भाई तब से मैं बोल रहा हूँ कुछ, चल भाई 2 आया, इसी को चलते हैं, मारे या ना मारे हमें क्या पता। चल 6 आया भाई, इसी को चलते हैं। हमें इतना ज़्यादा टाइम पास करना है कि बंदा डबल गुट्टी ना रेड कर पाए, तभी हम विनिंग कर सकते हैं भाई। और विनिंग करने का कोई ये ही नहीं है ना। चल भाई 3 से गया, हम तुमको मारेंगे, अब तुम हमको मारो या ना मारो। 5 से, चल भाई स्टाम्प, तुम हमको मारो या ना मारो हमें क्या फ़ायदा, हम तो तुमको मारेंगे, हम तो तुमको मारेंगे, जहाँ भी पकड़ेंगे मारेंगे, जहाँ भी पकड़ेंगे मारेंगे। चल भाई 6 है भाई, वो क्या कर रहे हो यार। चल भाई चल गया तो फिर क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, उखाड़ नहीं मतलब क्या कर लिया। डबल गुट्टी मैंने रेड किया, इसीलिए मैं बच गया, कुछ नहीं कर पाया बंदा ने। भाई अब तुम कुछ भी कर लो, जीतने वाला मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं जीत सकता अभी। चल भाई 6 से तुम मारो या कुछ जो भी करो या ना मारो हमें क्या फ़ायदा, तुम मारो या ना मारो हम तो यहाँ पे जीतने वाले हैं भाई, 3 मैच जीत के। चल भाई 3 से तू भी गया, और स्कोर गोटी कट गया बंदे का, मज़ा आ गया भाई, भाग गया बंदा।
बंदा भाग गया यार। दोस्तों इसी तरह मैच खेलना है भाई। कितने मिनट का वीडियो बन गया यार, 25 मिनट का वीडियो अपलोड हो पाएगा 1 GB में? मुझे मेरे ख्याल से यही अपलोड हो जाएगा, ये मेरा लास्ट वीडियो। चल भाई अपना स्टोरी बताता हूँ, लव स्टोरी। तो बस मैं एक लड़की था, बहुत मैं चाहता था उसको। इंस्टाग्राम में आईडी मिल गया किसी तरह से, मैं बोलना चाहता था उसको आई लव यू बट नहीं बोल पाया। इंस्टाग्राम में मुझे आईडी मिल गया किसी भी तरह से, क्योंकि जो होता है ना, किसी की चाहत अगर रखते हो तो फिर वो आपको ज़रूर मिलता है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे मिल गया, मैंने उसको फॉलो किया। मेरा 2 आईडी था, एक फेक आईडी एक रियल आईडी। मैंने फेक आईडी से फॉलो किया, क्योंकि मुझे अगर मैं रियल आईडी से फॉलो करता वो रिप्लाई ही नहीं करती, डायरेक्ट ब्लॉक कर देती, क्योंकि इसलिए मैंने रियल आईडी से फॉलो नहीं किया। उसके बाद मैंने मुझे लगा कि यार रियल आईडी से अगर फॉलो करूँगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने फेक आईडी से फॉलो किया, फेक आईडी से उसके बाद उसका रिप्लाई आया, कौन हो? मैंने कुछ नहीं रिप्लाई दिया, मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। वो यार पहुंच चल दिया। चल भाई दोस्त से बैठ गया स्टाफ में। चल भाई पहुंच आया बंदे का। तो यार देखो, उसके बाद मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया उसको। फिर उसने बोला, फिर उसने लिखा कि भाई बोलता है या नहीं। मैं डर गया कि भाई अनफॉलो ना कर दे, जो भी किसी भी तरह से फॉलो किया है। उसके बाद मैंने बता दिया, मैंने अपना नाम लिखा। उसके बाद बोला घर कहाँ, कहाँ से हो? तो मैंने भी बता दिया कि अपना फोटो भेज दिया, तो समझ गई कि कहाँ से है। उसके बाद उसने ओ लिख दिया, ओ मतलब समझ गई कि कौन है सो। ओ होता है ना डबल, वो तो वो लिख दिया तो समझ गई। उसके बाद वो लिखने के बाद ब्लॉक कर दी। क्या कर दी? ब्लॉक। ओ यार डबल ओटी रखता रेड करेगा बंदा। ब्लॉक करने के बाद मुझे दर्द हुआ कि यार मैंने जानने की कोशिश की कि मुझे क्यों ब्लॉक किया गया। दुख की बात यह है कि रियल आईडी तो मेरा सॉरी फेक आईडी ब्लॉक कर ही दिया, फेक आईडी के फॉलोइंग में जो रियल आईडी था उसको भी ब्लॉक कर दिया। वही मैंने सोचा रियल आईडी को मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया यार, मैंने तो तेरा कुछ किया भी नहीं है। तो मेरा रियल आईडी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने मैंने ओ यार यार क्या बोलूँ रस को।
अब आप लोग बोलिए यह हमारा गलती है यहाँ पे, कोई बोलिए तो दोस्तों। हरवा दिया। मेरा स्टोरी कैसा लगा कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। नाम तो खैर मैं उसका नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में तो फिर एक दो दिन में बता दूंगा। भाई देखो रस क्या कर रहा है, 6 पे 6 दे रहा है उसको। तो ओवरऑल इतना मैं गेम खेला, टोटल में लॉस में ही रहा, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ मुझे, लॉस ही हुआ ना। चल भाई क्या करें यार, लॉस प्रॉफिट होते रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग बस लाइक कर दीजिए, बाय।